लॉकडाउन के बाद अचानक से सरकार ने सीमाओं को सील करने का आदेश दिया है, उससे देश की जनता में खलबली मच गई है। लेकिन जो लोग 4-5 दिन से पैदल चलते चलते अपने गंतव्य स्थान तक जा रहे थे, वह बीच के बीच में ही फंस गए हैं। राजस्थान की बरेठा और उत्तर प्रदेश सीमा पर हालात काफी नाजुक बने हुए हैं। राजस्थान की सीमा पर उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारियों व टीम ने राजस्थान से जाने वाले लोगों को बीच में ही रोक रखा है, कहीं जाने नहीं दे रही है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की ओर से आने वाले लोगों को राजस्थान की पुलिस अधिकारी और उनकी टीम ने रोक रखा है। हजारों की संख्या में बॉर्डर पर लोग खेतों में पड़े हुए हैं, भूखे प्यासे। लोग सिर्फ यही गुहार लगा रहे हैं कि गवर्नमेंट उन्हें उनके घर तक जाने दे। यही नहीं, दोनों तरफ से जितनी भी पुलिस अधिकारी व कर्मी भी हैं, वह भी परेशान। बरेठा उत्तर प्रदेश सीमा पर मैं खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग जो विभिन्न राज्यों से, विभिन्न स्टेट से आए हैं, सारे खेतों में पड़े हुए हैं, भूखे प्यासे लोग पड़े हुए हैं। प्रशासन भी जीतो तो कोशिश कर रहा है, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद होकर उन लोगों को समझाइश कर रही है, लेकिन उनके सामने भी परिस्थिति है कि वो किस प्रकार इन लोगों को सही रास्ता दिखाए, वो भी सोचनी है, विचार कर रही है किस तरह रास्ता दिखाए। बार बार उनसे रिक्वेस्ट की जाती है। ये देखिए मेरे सामने वो खेतों, दूर तक देखिए आप, आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। ये बरेठा उत्तर प्रदेश सीमा, जहाँ पर राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, वहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। कहीं दूर दूर से लोग, मैं अभी एक महिला से बात कराऊंगा कि जो अभी बता रहे हैं कि ये गर्भ में प्रेग्नेंट है महिला, इसके दर्द हो रहा है, बात करता हूँ। कहाँ से हो आप? हम लोग एमपी दमोह से। एमपी दमोह से, कहाँ जा रहे हो आप? दमोह जा रहे हैं, दमोह जिला। अब कब, कितना टाइम हो गया यहाँ पर तुम्हें? 3-4 दिन हो गए, पेट में दर्द करने लगा। अच्छा, अभी दिन पूरे नहीं हुए। और खाना वाना क्या चल रहा है यहाँ पर? आ रहा है खाना आपके लिए? खा लिया ना, तरह से फिर भूखे। नहीं खाना मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। देखा, मैं आपको बता दूं, कि प्रशासन काम तो कर रहा है, लेकिन यहाँ के हमारे कुछ भामाशाह हैं आसपास के, जितने भी ग्राम पंचायत हैं उन वहाँ के जो सरपंच हैं, वो पूरी तरह से इन लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ पर एक सरपंच हैं, उनसे बात कराऊंगा कि कल यहाँ के अपने हिनौता पंचायत के सरपंच हैं, उनसे बात कराऊंगा कि आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था चल रही है, गाड़ी आती जाती रही है, टैंकर भर रहा है, पानी की पहुँचों से पूर्ति नहीं कर रही है, इसलिए। आप कब से कर रहे हैं ये लोग परेशान? सुबह से कर रहे हैं, 10 बजे से। देख आपने के प्रतिनिधि भी, जितने सरपंच जब होंगे सेवा पूरी तरह से कर रहे हैं, लेकिन लोगों को किस तरह समझाएं? सरकार की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइंस अभी हमें नहीं मिल रही है, जिनसे ये लोग अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंच सके। आप देख सकते हो कि हजारों की संख्या में लोग परेशान हैं, अब इनको ये कैसे अपनी स्थिति दे? हम लोग नहीं आते, पहले ही बता देते हैं 31 तारीख से पहले बंद हो जाते हैं। हम भाई साहब 4-5 दिन हम लोग हम प्यासे तक हैं, खाली बोतलें, पूरे पानी तक की सुविधा नहीं हो पा रही है। आप एक बार गौर से देखिए कि हजारों की संख्या में लोग किस तरह से परेशान है। बरेठा सीमा पर, जहाँ पर राजस्थान की और उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, यहाँ पर हजारों लोग फंसे हुए हैं। दूर दूर तक, किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है। बॉर्डर पार करने में लोगों को बहुत सारी परेशानी हो रही है, क्योंकि दोनों तरफ से पुलिस पूछताछ कर रही है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। लोग देखिए, आपको दिखाता हूँ, आइए मेरे पास। छोटे छोटे बच्चे जो फंसे हुए बेचारे, भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, प्रशासन ने अभी तक यहाँ पर ऐसी कोई राहत क्यों नहीं पहुँचाई है? क्यों ये बच्चे फंसे हुए? मैं इनसे बात करता हूँ। हाँ जी, कब से फंसे हुए आप यहाँ पर? 3 दिन हो गया, 2 दिन हो गए। 3 दिन हो गया निकल के सूरत से। 3 दिन हो गए मेरा स्कॉर्पियो वहाँ, 3 को पहले करा दो जी। वहाँ से मैं सड़क से आया हूँ। अब क्या परेशानी क्या हो रही है? देख आपने, हर कोई सिर्फ ये कह रहा है कि हमें प्लीज यहाँ से जाने दीजिए, हमें 2-2, 3-3 दिन हो गए हैं, हमारे साथ बच्चे हैं, हम भूख प्यास से परेशान हैं। मैं प्रशासन से अपील करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि जो बॉर्डर सीमा पर जो स्थिति है वो भयावह स्थिति है। इस वक्त लोग बहुत सारे हैं, अभी तो दिन का समय में है, यदि रात्रि हो जाएगी तो इनके लिए बहुत सारी परेशानी होगी। इसलिए अपील है कि इन लोगों
इसके लिए कोई तो राहत की जाए, या तो बस सेवा जो शुरू की गई है उस बसों को सेवा शुरू की जाए जिससे एक दूसरे का बॉर्डर पार हो सके। ये देखिए किस तरह बच्चे रो रहे हैं, आपको बता दें कहाँ से आए हो आप? सूरत से। कितने दिन हो गए? 3 दिन से फंसे हुए हैं। ये अपने घर को आ रही है, किस तरह परेशान है, ऐसा होता है मैं सिर्फ प्रशासन से ये गुजारिश करना चाहूँगा, ऐसे इनको बच्चे महिलाएं फंसे हुए हैं, इनके लिए मेडिकल की क्या सुविधा कर रखी है? यहाँ तो कोई मेडिकल प्रशासन दिखाई दे रहा है कि इन लोगों के लिए क्या सुविधा की जाए? वो तो भला है, वो तो भला है कि यहाँ के जो प्रतिनिधि है, यहाँ के जो सरपंच जो स्थिति है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लोग देखो खेतों में हजारों की संख्या में लोग खेतों में पड़े हुए हैं। इधर भी देखिए उत्तर प्रदेश सीमा तक, राजस्थान सीमा, चारों तरफ लोग, यही नहीं कि हम तो मानवता के नाते बात करें कि सारे लोग इस बुरी तरह फंसे हुए हैं। एक दूसरे स्थान से तो निकल चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों के सामने संकट की घड़ी ये है कि दिन में तो ये कहीं भी रुक सकते हैं, रात में इनको कहाँ जाना होगा? पुलिस भी आखिर कब तक इन लोगों को समझा के रखेगी? जहाँ पर राजस्थान की उत्तर प्रदेश सीमा लगता है वहाँ खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी उनसे बात कर रहा हूँ कि बॉर्डर पर क्या स्थिति है इस समय? बॉर्डर पर जो आवश्यक सामग्री है उनके अलावा ये खाली वाहन जो वापस जा रहा है इनको वापस किया जा रहा है, जो आवश्यक सामग्री है उसके अलावा कोई आना जाना बंद। मतलब सीमा को पूर्ण रूप से सील कर दिया गया है। सर ये जो लोग फंसे हुए हैं इनके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? ये जो स्थानीय है उन्हें वापस किया जा रहा है, जो जहाँ से आए अपनी जगह जाए। जी जो स्थानीय है जहाँ से आए हैं वहाँ अपनी जगह जाए ये बताया जा रहा, और जो दूर की सवारी हैं उनसे भी सलाह दी जा रही है कि जहाँ से आए हैं अनावश्यक इधर उधर न घूमें, इससे बीमारी और फैलने की आशंका रहेगी, ये भी उन्हें सलाह दी जा रही है। बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बिल्कुल बॉर्डर को सील कर दिया जाके एक भी व्यक्ति को निकलने नहीं दिया जा रहा है। उधर भी राजस्थान जो मध्य प्रदेश सीमा लगता है, जो सागरपाड़ा पर चौकी भी लगती है, वहाँ पर चंबल किनारे भी सील कर दिया जा रहा है। अब जो लोग बीच में फंसे हुए हैं उनके लिए प्रशासन को क्या कदम उठाने चाहिए? मैं SNI न्यूज़ धौलपुर से हेमंत शिकरवार।